भिंड जिले के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया अटेर क्षेत्र के हो रहे विकास कार्यों के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के कैलेंडर में अटेर महोत्सव का भी अन्य जिलों के उत्सव बराबर आने वाले वर्ष में अब अटेर में महोत्सव मनाया जाएगा। जहाँ पहले गोलियों की गड़गड़ाहट बंदूकों की आवाज आया करती थी, अब जगह बाहर से आने वाले सैलानियों की आवाज से गूंजी। अटेर में जो पुल बन रहा है वह भी 3 माह में पूर्ण हो जाएगा और भिंड सर्किट हाउस को भी संज्ञान में लेते हुए इससे भी मुख्यमंत्री से बात करके इसके लिए अलग से बजट उपलब्ध कराया जाएगा। अटेर में हमारा जनपद पंचायत अध्यक्ष बना है जो निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। आने वाले समय में जिला पंचायत अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। भारतीय जनता पार्टी का जिसको मैंडेट मिलेगा वह जीतेगा। अटेर जनपद में 25 सदस्य हैं। 25 के 25 सदस्यों ने श्रीमती कमला देवी शर्मा जी को, हमारे विकास शर्मा जी की माता जी हैं, उनको चुना है। निर्विरोध चुनी गई है। उपाध्यक्ष में दशरथ यादव जी, यादव समाज की है, उनकी पत्नी गीता देवी जी को उपाध्यक्ष चुनी गई है। तो निर्विरोध दोनों चुने गए हैं। इसी के साथ कल भिंड का है, महगांव का है, अन्य अन्य जगह का है। तो भिंड में भी 100% भारतीय जनता पार्टी की जनपद बनेगी अध्यक्ष उपाध्यक्ष। महगांव में भी 100% बनेगी और बाकी जिले में गोहद वगैरह में मुझे लगता है वो लोग प्रयास कर रहे हैं। 29 तारीख को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है। समीकरण आंकड़ों में अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के 21 में से 15 लोग भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए। तो भारतीय जनता पार्टी के मुझे लगता है जिला पंचायत के अध्यक्ष भी बनेंगे। 6 लोग कांग्रेस के हैं, 15 लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत के आए। तो मुझे लगता है कि अभी हमारी कोर टीम की बैठक है, अरुण चतुर्वेदी जी हमारे प्रभारी है इसके, तो अभी आएंगे, सबकी आजमत लेंगे, कोर टीम में चर्चा करेंगे। चर्चा उपरांत जो निर्णय होगा, प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो निर्णय करेंगे, जो वहां से हमको अधिकार जिसको भी करेंगे, वो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे जीत के। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।